अगर आप एक पबजी प्लेयर है और आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में पबजी गेम खेल खेल के बोर हो चुके हैं और आप लैपटॉप में बड़े स्क्रीन पे पबजी मोबाइल गेम को प्ले करना चाहते हो तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। बिकॉज़ आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप में पबजी मोबाइल गेम को किस तरीके से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। पहले जो प्रोसेस है ये स्पेशली मैं ओनली फॉर बिगिनर्स लोगों के लिए बता रहा हूँ कि बिगिनर्स लोग अपने लैपटॉप में पबजी मोबाइल गेम को किस तरीके से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको ना दो वे बताऊँगा, तो दोनों में से एक वे है, यानी कि दोनों वे इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ एक में आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और एक में आपका टाइम थोड़ा कम लगेगा। तो दोनों में बताऊंगा मैं, और दोनों में मैं आपको ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता के ख़त्म करूंगा ताकि आपको यहाँ पे जो प्रोसेस है आपका ज़रा टाइम ना जाए और आपको प्रोसेस समझ में भी जा जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र को सिलेक्ट कर लेना है, तो क्रोम ब्राउज़र हो या तो माइक्रोसॉफ्ट एज हो। तो अगर विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ के लिए जो ब्राउज़र सबसे पॉपुलर है वो अपना माइक्रोसॉफ्ट एज जी है, जो सिस्टम एप्लीकेशन के बेस पर आपको विंडोज़ में देखने मिलता है। जिस तरीके से एंड्रॉयड में गूगल क्रोम ब्राउज़र बहुत ही पॉपुलर है, उसी तरीके से विंडोज़ में आपको माइक्रोसॉफ्ट एज बहुत ही, बिकॉज़ ये विंडोज़ में काफ़ी फास्टली परफॉर्म करता है कंपेयर टू गूगल क्रोम के। तो यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र का यूज़ करूँगा। सो लेट्स ओपन दिस ब्राउज़र फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये जो वीडियो है स्पेशली मैं ओनली फॉर बिगिनर्स लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे टाइप कर लेना है पबजी मोबाइल गेम डाउनलोड गेम लूप, और यहाँ पे जैसे गेम लूप डालना है या तो गेम लूप मत डालिए तो भी चलता है। तो मेरे केसेस में यहाँ पे मैं गेम लूप डालूंगा, पबजी मोबाइल डाउनलोड गेम लूप। उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको टैप कर लेना है इस ऑप्शन पे। जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे गेम लूप का एक ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे पबजी मोबाइल को विंडोज़ में डाउनलोड करने के लिए एक एप्लीकेशन है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको ये गेम लूप का एक एप्लीकेशन है जिसको आपको अपने विंडोज़ में इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आपको इस गेम लूप के एप्लीकेशन की हेल्प से पबजी मोबाइल को अपने विंडोज़ में इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ये डाउनलोड यहाँ पे फिर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने ये इस गेम लूप के एप्लीकेशन को ऑलरेडी इंस्टॉल किया है मेरे विंडोज़ 10 के लैपटॉप में। तो यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ, यू कैन सी दैट नीचे के साइड में। तो ये है वो गेम लूप के एप्लीकेशन जो मेरे विंडोज़ 10 के लैपटॉप में अभी इंस्टॉल्ड है। तो आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है सबसे पहले, पबजी मोबाइल को इंस्टॉल करने से पहले। फिर उसके बाद इंस्टॉल डाउनलोड करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को सिंपली ओपन कर लेना है। तो लेट्स मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको यहाँ पे ये विंडो पॉपअप हो जाएगा, आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे तो आपको थोड़ा वेट करना है बिकॉज़ ये ओपन होने के लिए बहुत टाइम लेता है। डिपेंड करता है कि आपके लैपटॉप में रैम कितना है, अगर 4 GB का रैम है तो यार आपको बहुत हैंग का प्रॉब्लम आपको होने वाला है पबजी मोबाइल में। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो यहाँ से आपको पबजी मोबाइल को डाउनलोड करना है। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पर टॉप साइड में आपको पबजी का एक ऑप्शन दिखेगा, या तो अगर आप यहाँ पे आपको नहीं भी दिखा तो यहाँ से आपको सर्च का एक ऑप्शन मिलेगा। इस सर्च के ऑप्शन में आपको बस यहाँ पे पबजी टाइप कर लेना है। यहाँ पे जैसे पबजी आप टाइप करेंगे यहाँ पर आपको पबजी गेम जो है सामने दिख जाएगा। यहाँ पे अभी मैंने लैंग्वेज कुछ और रखा है, तो यहाँ पे आप लैंग्वेज अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा सेटिंग में जाके। तो ये रहा हमारा पबजी प्लेयर, तो लेट्स मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपली इस पर टैप कर लेना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखेगा, तो बस आपको यहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो मेरे केसेस में मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया है तो मैं फिर से डाउनलोड नहीं करूँगा। फिर उसके बाद बस आपका डाउनलोडिंग वहाँ पे जैसे कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे एक पॉपअप हो जाएगा, वो आपसे परमिशन पूछेगा इंस्टॉल करने के लिए, आपको यस पे क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद आपके विंडोज़ 10 के लैपटॉप में पबजी मोबाइल इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ये देखिए, ये रहा पबजी मोबाइल।
सेम, ये एक पहला वे मैंने आपको बताया है। अभी मैं आपको दूसरा वे बताऊंगा जो बहुत ही यूज़फुल है और टाइम भी कम लेगा। दूसरा वे ये है, वो काफ़ी मतलब एकदम इजीएस्ट वे है। आपको जिस तरीके से आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, उसी तरीके से एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है ब्लू स्टैक। यू कैन सी दैट, ये ब्लू स्टैक का एक एप्लीकेशन है। ये आपको अपने विंडोज़ में इंस्टॉल करना है। यस, अभी इसको इंस्टॉल कैसे करना है इसके लिए आपको बताता हूँ मैं प्रोसेस। तो फिर से आपको माइक्रोसॉफ्ट एड्स का जो ब्राउज़र है वो आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है, और फिर से आपको यहाँ पे फिर आपको टाइप करना है बैक स्टैक। आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है ब्लू स्टैक, BLUE, देन उसके बाद स्टैक्स, STACKS, ब्लू स्टैक फॉर विंडोज 10। ये आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे एक ऑप्शन दिखेगा ब्लू स्टैक ऑफिशियल साइट, तो ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है और यहाँ से इस ब्लू स्टैक के एप्लीकेशन को अपने विंडोज 10 में इंस्टॉल किया। जैसे अब यहाँ पे टैप करेंगे यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा और फिर ब्लू स्टैक का जो एप्लीकेशन है वो आपके विंडोज 10 के लैपटॉप में यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे आपको उसके बाद आपको इस ब्लू स्टैक के एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सो लेट्स आई ओपन इट। सो कभी कभी ये एप्लीकेशन जो है ब्लू स्टैक का, ये ओपन होने के लिए टाइम भी लेता है, डिपेंड करता है आपके लैपटॉप में रैम कितना है। सो लेट्स वेट टिल इट्स ओपन। तो ये मेरे लैपटॉप में थोड़ा ओपन होने के लिए टाइम ले रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता नहीं पाऊँगा, बिकॉज इसने ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स ले लिया, बिकॉज मेरे लैपटॉप में रैम काफ़ी 4GB है, लेकिन यहाँ पे ब्लू स्टैक की हेल्प से मैंने कई सारे ऐसे गेम हैं जो मैंने अपने विंडोज़ में इंस्टॉल करके रखे, जिसकी वजह से ये ओपन नहीं हो पा रहा है फटाक से। लेकिन आप लोगों को केसेस में आपको क्या करना है, ब्लू स्टैक की हेल्प से आप इजीली, जैसे आप ब्लू स्टैक के एप्लीकेशन को ओपन करेंगे यहाँ पे आपको प्ले स्टोर का एप्लीकेशन मिलेगा। प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाके आप सिंपली यहाँ पे विंडोज़ का ही बोल रहा हूँ, ब्लू स्टैक में जाके आपको प्ले स्टोर का ऑप्शन मिलेगा। प्ले स्टोर पर जाके आप सिंपली अपने पबजी मोबाइल को जिस तरीके से आप अपने एंड्रॉयड में करते हैं डाउनलोड करते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। जैसे डाउनलोड कम्प्लीट होगा, तो डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपके विंडोज़ में यहाँ पर आपको पबजी मोबाइल जो है वो डाउनलोड यहाँ पे इंस्टॉल दिख जाएगा। मैंने भी ब्लू स्टैक की हेल्प से ही मेरे विंडोज़ में 10 में पबजी मोबाइल को इंस्टॉल किया है। तो चाहे तो एक बार मैं आपको यहाँ पे इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो काफ़ी ईजीएस्ट प्रोसेस है, आप इजीली इसकी हेल्प से अपने विंडोज़ 10 के लैपटॉप में पबजी मोबाइल को इंस्टॉल करके प्ले कर सकते हैं। सो ये मैंने आपको दो मेथड बताया, दोनों में से दोनों ही काफ़ी यूजेबल है, दोनों का यूज़ करके आप पबजी मोबाइल को अपने विंडोज 10 के लैपटॉप पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली फ्री है और वेरी वेरी इजी मेथड है। सो आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।